गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है मेरा बर्थडे और मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही है। और आज हमारी पेरेंट्स और बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं और मेरी फ्रेंड्स भी आनी हैं। और ये जो पॉपेट है मुझे इसी का जितनी मिल गया। और जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ये यूनिकॉर्न वाला पैन, ये इन्होंने मेले से लिया था। अच्छा, ठीक है। और उनकी एक छोटी बहन वो भी है, अदिति दीदी। और अगर वो ये वाला ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 जून और आज है मनु का बर्थडे। तो आज है मनु का बर्थडे। तो मनु हो गई आज 7 साल की। तो फिर मनु बहुत एक्साइटेड है, बहुत हैप्पी है। आज बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग आने हैं और मनु के लिए काफ़ी आज सरप्राइज मिलने वाले हैं। तो अभी मनु का मन है कि मैं सैंडविच बनाऊं और कोल्ड कॉफ़ी बनाऊं मनु के लिए। विश भी मुझे बहुत सारे लोगों ने किया है। अच्छा, ठीक है। और बाकी दिन में मैं बनाऊंगी छोले। तो बस बने रहिए आप। हर बर्थडे में मेरी ना फोटो लगती थी, पर आज ही नहीं लग रही। फोटो कहाँ लगती थी? बर्थडे में लगाते थे मम्मा फोटो। तो सबने लगाई है, देखा नहीं आपने स्टेटस? चलो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक मैं मनु के लिए सैंडविच बनाती हूँ और कोल्ड कॉफी। हाँ, और मनु ने नहाई नहाई भी करनी है, फिर पूजा भी करनी है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये खीरा, प्याज और टमाटर, और साथ में है ये सैंडविच सॉस जो कि मार्केट से लिया मैंने। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक। टोस्टर भी रखा है, बट मुझे पैन में ही इसको ऐसे थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं, क्रंची सा ऐसा अच्छा लगता है, थोड़ा घी डाल के, और बहुत क्रंची क्रंची लगता है। देखिए, मैं आपको साउंड सुनाती हूँ। हेल्दी सैंडविच जिसको कोई भी खा सकता है। तो देखिए, ऐड कर लिया है। तो मेरी कोल्ड कॉफी भी बन चुकी है और ये रहा केक। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। देखो मैंने आपके लिए कितना कुछ बनाया है। ये मैंने बनाया है हम दोनों को। तो केक, और आप टेस्ट करके बताना कैसा लगा। खाओ आप, इतना स्पंजी है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखो, देख सकते हो। कैसा लगा मन्ना केक? कैसा लगा? अच्छा। तो यार हम पहले ये एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, है ना मन्नू? कैसे बनाया सैंडविच? ऑसम। चलो पढ़ो फटाफट से। ये लेसन। हाँ जी, लेसन वन। और देखो, ये मैंने घी की मदद से बनाया था। वाओ, सो स्वीट। पीछे पिक्चर्स लगी हुई है। वाओ, किंडर जर्मन में मिलता है। तो गाइस, ये बनाया है मैंने रायता, और इसमें काफ़ी कुछ डला है रायते में, देख सकते हो। आइस भी डली है इसमें और बहुत ही यम्मी बना है। और साथ में बने हैं काले चने, छोले, जो कि छोले क्या, हाँ, मन्नू देखो कितना काम कर रही है आज। और साथ में है ये चटनी, टेस्टी सी। क्यों लो मन्नू, आपका ये मन्नू का खाना लीजिए, आपका खाना। और मैंने इसमें घी भी डाला है, देसी घी। खाओ जरा, कैसा लग रहा है? रायता खाओ। चलो साक्षी, पहले रायता बता टेस्ट करके कैसा है। सच में टेस्टी बनाया ना आज, और खाना मेरा टेस्ट करके। चलो यार, हम टूट पड़ते हैं अपने खाने पे, भूख लगी है बहुत तेज, बहुत। तो मैंने पिछले कल केक का ऑर्डर दिया था, तो मैं वही लेने के लिए आई हूँ। थोड़ा बहुत सामान बच गया था, तो बस वो लेके जा रही हूँ रूम पे, और मम्मा वगैरह भी आने वाले हैं। ठीक है, मेहनत लग रही है इसमें, अब मुझे गालियाँ दे रही है, क्यों लेके आए आप, चलो करो मेहनत। गाइस, मैं आ चुकी हूँ मम्मा और को लेने, और मुझे सबसे पहले टुकड़ी राम दिखी है। आश, ये कौन है? ओह माय गॉड, इतना सुंदर सुंदर। हेलो कर दो, खुश नहीं हुए आप दीदी को देख के? किसी कर दो दीदी के हैंड में। हेलो हेलो गाइस।
हेलो गाइस, अंधेरे में दिख भी नहीं रहे कितने। आयुष कैसा लग रहा है पहुंचा के? हाँ आज हर जगह गाइस ये इतने काले लोग हैं मेरी तरह दिख भी नहीं रहे। मैडम जी बहुत भारी है, उठाओ। ऐसे क्या लेके आए आप भाई? एक तो उठाओ। आयुष हेलो कर दो मेरे को, पता भागू मैं आगे में कहने। गाइस सीढ़िया ही सीढ़िया, इंसान थक गए। चलो चलो अभी इनके चुम्मा जाने क्या बोला जाए, मतलब अभी इनका प्यार, माँ बेटी का प्यार जाएगा मेरे बोले था। पता नहीं यार वो कहाँ रूम के अंदर कैसा है मम्मा? अरे मतलब ठंडा गरम, मतलब उतना नहीं है जितने आयुष। दीदी से मिला नहीं, हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे बोला दीदी को। किस कर दो आयुष दीदी को? दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे बोलो दीदी को। इसकी नजर तो इसमें, कहाँ थी मैंने इतनी आवाज दी? बबली आंटी की कॉल आई थी। आ रहे अभी, क्या लाया आपने? मम्मी ने मन्नू और परी के लिए सूट बनाया है, दिखाना खोल के मम्मी। वाह, और ये देखो मन्नू का आउटफिट, मन्नू उधर जाओ। और ये लाया है नेहा ने मन्नू के लिए बर्थडे गिफ्ट, कितनी प्यारी ड्रेस है, पीछे मुड़ो, बहुत स्वीट लग रहे हो। और ये देखो अंश को कपड़े पहन ही नहीं रहा, ये नेहा लाई है, नहीं ये भी न्यू लाए अभी, और ये मना कर रहा है। दिखाना मीन के कपड़े परी और के और मन्नू के, कितना क्यूट है। परी को भी बुलाओ, परी को बुलाओ जरा, जाओ बुलाओ। अंश आज किसका बर्थडे है? अंश तो ये बनाया है भैया ने सभी के लिए मैंगो शेक, और जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में और टेस्ट करके भी टेस्टी होगा। कांग्रेचुलेशन, आपके पास एक छोटू सा क्यूट सा भाई हुआ है। थैंक यू। ठीक हो आप? मेरे को तो बहुत याद आ रही थी आपकी, पता है आपको? चलो चलो मैं ये देखो गाइस नेहा लगी यहाँ पे। नेहा का तो हमेशा यही काम होता है। और यहाँ पे भैया बने हैं आज कुक, भैया ने बनाया है कुछ बढ़िया बढ़िया। और यहाँ मम्मी लगे हुए झाड़ू मारने, कितना कूड़ा निकाला मम्मी ने। तो यहाँ पे अंश रो रहा था, बोलता मुझे केक कट करना है, और मनु को केक कट नहीं करने दे रहा था बिल्कुल भी, और दोनों बहुत लड़ रहे थे। हैप्पी बर्थडे डियर मन्ना, प्रीति शर्मा द्वारा हैप्पी बर्थडे कैसे पहनाया जा रहा है मानी शर्मा को। चलो बैठ जाओ, परी को खिलाओ।
मम्मा ने बनाया है ये परी का सूट। पीछे मुंडा परी, बहुत क्यूटी लग रहे हो, क्यूटी पाई, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब आएंगे हमारे पास मन्नू, देखिए दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। भार भार भार, मम्मी ने सी ले इनके लिए, दोनों के लिए। कितने सुंदर लग रहे हो, पीछे मुड़ो मन्नू, पीछे मुड़ जरा। ओए होए, इतनी अच्छी हवा चल रही है यार, एकदम मस्त हो रहा है। कितने प्यारे लग रहे हो दोनों सूट में। हाँ वाह यार, सबका डिनर हो चुका था। मन्नू की गिफ्ट जो भी इसके गिफ्ट्स आए थे वो भी अनबॉक्स हो चुके हैं। बाकी आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।